भगवान की पूजा करते हुए क्या अच्छा भजन गा रहे हैं आप, यहाँ से गए फायर ब्रिगेड चला रही हो खामखा मेरी पूजा भंग कर रहा है। संजय क्यों मम्मी को तकलीफ दे रहे हो? मम्मी भगवान को कितनी तकलीफ दे रहे हो देखो, भजन गाने की वजह से हिंदी गाने गा रही है। भेजा मारा गोली में गोली मारा भेजे में अनजाने में मुंह से निकल गया, मुझे क्या मालूम था ये कंबक पीछे से सुन रहा है। भगवान ने कौन से गाने सुने होंगे पता नहीं इनके मुंह से। तो बालकनी में खड़े रहकर कौन सा गाना गा रही थी पता है? कौन सा? बाद में शर्मा मुझे बोलता है कि मेरे फादर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। क्यों? इनका गाना सुनके उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तूने मेरी पूजा भंग की है, क्या मैं तुझे श्राप दे रही हूँ? नहीं नहीं मम्मी, श्राप आप नहीं देना। हाँ देने दीजिए मैडम, देने दीजिए, इनके शाप से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम्हें पता नहीं है मम्मी के शाप में कितनी ताकत है। पिछले साल एक रिक्शा वाले ने मम्मी को बहुत तंग किया था, मम्मी ने उसे शाप दिया और फूंक मार दी, रिक्शा वाला बेहोश हो गया था। हाँ शाप की वजह से नहीं, इनके फूंक की वजह से बेहोश हो गया। हवा का इतना जबरदस्त पोल्यूशन उसने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन फूक मत मारना, गोली चलेगी, फूक नहीं मारना। तू मेरी क्यों उड़ा रहा है? पता चला मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, ऐसा आदमी मिलेगा जो तेरे दिमाग पे गन रख के तुझे कहेगा गोली मारू क्या भेजे में। और सात दस, दस और दो बारह, बारह दो चौदह, चौदह एक तू ये खिलौने वाला पिस्तौल दिखा के डरा क्यों रहा है इसे? ये खिलौने वाला पिस्तौल है तो ज्यादा बोलेगा ना सर में गोली डाल देगा, सीधा बोल देता है। और देखे इसे गोली मारने वाले सर क्या कर रहे हैं? क्या ये क्या समझते क्या अपने आपको? माफ करना क्या क्या माफ करना है सर? आप क्या कर क्या रहे क्या कर रहे हैं? अरे आप जानते हैं कौन है? कौन है? टाइगर भाई का गैंग का आदमी है, दिन दहाड़े खून कर देता है। अरे अपनी नहीं तो मेरी जान की तो फिक्र कीजिए। बोलो क्या मंगता है, क्या हो रहा है? जो मेरा हो रहा है आपका हो रहा है, फट गई है आज। ये मतलब अपन जो बोलेगा तू कुरियर करेगा क्या? करेगा ना। हाँ ये पिस्तौल कुरियर करना है। पिस्तौल कुरियर करना है? इतनी छोटी सी बात और इतना हंगामा काय को खड़ा किया? कहाँ कुरियर करना है, किस कहाँ कुरियर करना है ये पिस्तौल? हमारे डॉन टाइगर भाई के पास। तो उसका एड्रेस होगा ना, एड्रेस बताओ ना। एड्रेस बोलता है ना टाइगर भाई, सेंट्रल जेल। ये एड्रेस जेल में पिस्तौल पहुंचाने के लिए हमको जेल में जाना पड़ेगा? हाँ देखो भाई, जेल में जाने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, ये पिस्तौल लेके जाओ तुम। हाँ ये मचमच तो बाहर बोर्ड काय को लिखा है, कुछ भी कभी भी कहीं भी। ठीक है ठीक है, कब पहुंचाना है ये पिस्तौल टाइगर भाई के पास? शाम 5:30 बजे के पहले। 5:30 बजे के पहले? 5:30 के बाद टाइगर भाई कोई काम नहीं करता यार। ये कुरियर मत लो, कुछ लफड़ा हुआ टाइगर भाई बाहर, हम लोग अंदर। ये मचमच ये बात सुनो, अगर ये काम सही ढंग से किया ना टाइगर भाई 1,00,000 रुपए देगा, और अगर काम नहीं हुआ तो इसकी सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सर में डाल दूंगा मैं। समझ गया? समझ गया। तेरे हाथ में पेन है? अरे बगर यार मैं भी तुम्हें दे दूंगा। चलो मैं निकल रहा हूं। ले पकड़। नहीं मुझे तो पैकिंग करना है। ओह
क्या हम थोड़ी देर के लिए अंदर जा सकते हैं? कौन सी अदालत ने सजा दी आप लोगों को? अंदर वही जा सकते हैं जिनको अदालत ने सजा दी हो। हम लोग तो सिर्फ 5 मिनट के लिए अंदर जाना चाहते हैं। हाँ। बोला ना कोर्ट से आर्डर लेकर आओ, 5 मिनट क्या, 5 साल के लिए अंदर भेज दूंगा। नहीं नहीं, वो क्या है, एक पार्सल हमें अंदर देना है और वापस आना है, एक है पार्सल। बोला ना, अंदर जाने के लिए कोई जुर्म करना पड़ेगा, अपने आप को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा, फिर कोर्ट सजा देगी, इंस्पेक्टर लेकर आएगा और अंदर डाल देगा। हवालदार गाड़ी घुमा के रखो, दिन दहाड़े चोरी करता है, हवालदार की हवा खाएगा सब पता। हवालदार ये लोग कौन है? अंदर जाना चाहते हैं बस, अंदर जाएंगे वापस आएंगे, रुकेंगे नहीं वहाँ, जाएंगे आएंगे। नहीं नहीं, पार्सल पार्सल कुछ अंदर नहीं जाएगा, चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। हवालदार किसी एरे गेरे को अंदर मत जाने देना, पता चला है टाइगर भाई जेल से भागने की तैयारी में, चलो दरवाजा खोलो। सर लगता है हमें अंदर जाने के लिए मुजरिम बनना पड़ेगा। ए हवालदार राव जी साहब, अंदर गया है क्यों? नहीं, उसी एरिया में हमें चोरी करने जा रहा है। चोरों को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि अगर लेते तो हिंदुस्तान की आधी जनता जेल में होती। मारी खोलते हैं, चलो। अगर मुझे किसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया ना तो 2000 लाफा मार के रैम खा के छोड़ देंगे। तो पुलिस सीधा अंदर डालेगी। क्यों? आप रैम के काबिल नहीं लगते। लगता है अपने घर में चोर घुस आए हैं। वो प्रोफेशनल चोर है। मामा चलो चलो चलो, मामा छोड़ो, देखते हैं। अब तुम आगे जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम्हारा नाम दुर्गा है ना, तुम आगे जाओ। दुश्मन क्या कर रहे थे? क्या हुआ? अरे हम सिर्फ यहाँ चोरी का नाटक करने के लिए आए, ताकि लोग हमें पकड़ के जेल में डाल सके। और तू सचमुच की चोरी कर रही है? गिरफ्तार होना ही है तो लगा चोरी भी करते हैं। इतनी देर से हम लोग चोरी कर रहे हैं, कोई पकड़ने को क्यों नहीं आया? अरे कोई है? चोर 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 चोर, हमें पकड़ो, हमें पकड़ो, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाटक लगा रखा है, अपने घर में चोरी कर रहे हो? मुझे क्या पता, अभी देखा तो पिछोड़े से जाओ, और मैं पिछोड़े कभी गया नहीं था। देखकर इनका है शीला, इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते। ओ नो दुर्गा आंटी, ऐसा मत कीजिए ना। अरे क्या है, ऐसा मत कीजिए, हम लोग जेल जाना चाहते हैं। क्या है, हम कुरियर से टाइगर भाई को एक पिस्तौल पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, टाइगर भाई तो पहुंचने का एक ही रास्ता है, खुद को गिरफ्तार करवा लो और अंदर जाओ। नहीं ना, जेल जाने का तरीका मैं बताती हूँ। आओ, कुछ सोचते सोचते क्या करें क्या करें। हाँ, सोचना पड़ेगा। हवालदार देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ, कब से देख रहा हूँ। जेल में बंद कर देगा। क्या आइडिया बताया आपने, उसके सामने खड़ा रखे मुंह चिढ़ा के दिखाऊं।
हवालदार को मुंह चिढ़ा के दिखा। मैं क्यों? क्या है तुझे जबरदस्ती मुंह टेढ़ा करने की कोई जरूरत नहीं, तू सामने खड़ा रहे वो अपने आप चिढ़ जाएगा। जा, जा। चिढ़ा रहे और आप चिढ़ क्यों नहीं रहे? ये चिढ़ा नहीं रहा, ये हमारी भाषा में पूछ रहा है कि आप कैसे हैं, मैं उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। हाँ 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 ये बोल रहे हो, रमेश को पकड़ दो सर। सज्जन हवालदार को तो मुंह चिढ़ा कर बता रहा है, वो हवालदार में बन गया तो क्या करेगा? एक्सक्यूज मी पांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जू रोड पर बंदोबस्त के लिए जाना है, चलो निकलो। यस सर। चलो। एक्सक्यूज मी मैडम, इस एरिया में दो चोर घुस गए, एक जो है वो लंबा और तगड़ा है और दूसरा जो है ना वो शक्ल से लंबा है, अगर ऐसे दो आदमी आपको दिखे तो आप तुरंत हमें फोन कर दीजिए। जाहिर आपको हमारी तरह जो है ना, है ना, है ना? देखो ना कितना लंबा है, देखिए इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे लीडर के बंदोबस्त में जाना है। नहीं नहीं देखिए प्लीज, हमें जेल में डाल के जाइए ना, प्लीज जाइए ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जाइए ना प्लीज प्लीज। अंदर कर दे, लगता है आपको कहीं देखा है। आपका नाम क्या है? संजय भंडारी। लेकिन आप हमें जेल में डालेंगे ना? हाँ डालेंगे ना प्लीज। नहीं नहीं सर, आप कैसी बात करते हैं, आप जैसे शरीफ लोगों को हम जेल में डालेंगे तो हमारे बदन पे वर्दी थोड़ी रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, फर्ज कीजिए मैं आपको गवाही देती हूँ कि ये दोनों चोर हैं, तो आप इन्हें जेल में डाल देंगे? देखिए मुझे इस तरह का घटिया मजाक पसंद नहीं है, एक इंस्पेक्टर की खिल्ली उड़ाने के जुर्म में मैं तुम सबको अंदर कर सकता हूँ। तेरे को सूझा क्या? सोच रही। आंटी कुछ नहीं सूझ रहा है। संजू 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 जल्दी से कोई आइडिया सोचो ना, जल्दी सोचो सर सोचो। 4 बज रहे, 5:30 बजने तक ये पिस्तौल वाला पार्सल टाइगर भाई के पास नहीं पहुंचा तो उसके आदमी इसी पिस्तौल से हमारी जान ले लेंगे। तुम्हारा खून होते हुए नहीं देख सकती। और क्यों? क्योंकि क्योंकि जब मैं खून देखती हूँ तो मुझे चक्कर से आने लगता है। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? हमें सोचने दो, आइडिया। दो मनुष्य लोगों को गिरफ्तार करने का मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। देखो सर देखो, दुर्गा आंटी को आइडिया है। बताइए जल्दी बताइए। ये दोनों सड़क के एक कोने में खड़े रहेंगे और इनके सामने से मैं गुजरूंगी। ऐसे मुझे देखकर ये मुझे छेड़ेंगे और सीटी बजाएंगे। बकवास आईडिया है। क्यों? अरे पुलिस इस बात पे यकीन ही नहीं करेगी कि इनको कोई छेड़ सकता है। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। मम्मी तू एक्टिंग मत करना। नहीं नहीं मम्मी सुनो, तुम दोनों ना सड़क पे जाकर किसी भी लड़की को छेड़ने की एक्टिंग करो, पुलिस तुम्हारा चेहरा देखी तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। चलो चलो चलो। कमाल है आइडिया मेरा और मुझे एक्टिंग का चांस है। Let's go.
ये क्या लगा रखा है? सिटी काय को बजाता है? अरे चल भाग यहाँ से, मैं तो दोनों को बंद कर दूंगा हवालात के अंदर। अरे यार ये दो चपोरिये लोग खाली बिली सिटी बजा रहे हैं इतनी देर से। पागल हो गए जो तुझे देख के सिटी बजा रहे हैं। पांडू हवालदार के गांव वाले देखो कैसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। पांडू हवालदार के गांव के अर्चना तू एक काम कर, तू इन दोनों के सामने से जा, जरा मटकते हुए जाना हाँ, ताकि इनका छेड़ना जायज लगे। जा जा जा। क्या कर रहे हो तुम लोग? हवलदार देखो देखो ये दोनों मुझे छेड़ रहे हैं ना, गिरफ्तार कीजिए। नहीं 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 नहीं, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे एरिया का नहीं है। अरे हवलदार क्या एरिया एरिया लगा के रखा, इन्होंने लड़की को देख के सीटी बजाई ना। हाँ बजाई। फिर गिरफ्तार करो इन दोनों को, वरना मैं बड़े साहब से शिकायत करूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत करना। ए, 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 तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। हाँ। चलाप, चलाप, चलाप। ये दोनों औरतों ने शिकायत की है कि ये दोनों मिलकर इन्हें छेड़ रहे थे। हाँ। अरे तुम लोग कहाँ इनके झांसे में आ गए, ये मिले हुए हैं। अरे तुम लोग क्यों खामखा हमारा समय बर्बाद करते हो? नहीं लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये लोग वाकई मुझे छेड़ रहे थे। हाँ, हाँ। इन दोनों को गिरफ्तार करना आपका फर्ज है। सर मैंने कितनी बार कहा था ये कुरियर मत लो, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी। देखो अपना उसूल क्या है, कोई भी चीज कभी भी और कहीं भी पहुंचाई जाएगी तो ये पिस्तौल हमें टाइगर भाई के यहाँ पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी पिस्तौल से मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। नकली पिस्तौल है। अच्छा अंकल ये पिस्तौल पकड़ो, मैं सामने से आइसक्रीम लेके आता हूँ। पता नहीं मैंने सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, मेरे हाथ में पिस्तौल ही पिस्तौल आ रहे हैं। ये भैया तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये पिस्तौल अभी तक टाइगर भाई तक नहीं पहुँचा। हमने कितनी कोशिश की अंदर घुसने की लेकिन एंट्री नहीं मिली ना। अरे तुम्हारे एंट्री का हम लोग देख लेंगे, ये पिस्तौल अंदर नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर साढ़े पाँच के अंदर ये पिस्तौल टाइगर भाई तक नहीं पहुँचा ना तो वो हम दोनों को बूंद डालेगा। अरे लेकिन वो बाहर हवालदार खड़ा है, उसमें क्या करेंगे बोलो ना। हवालदार का हम लोग देख लेंगे भाई। चलो 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 बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? डैडी अंकल मेरी पिस्तौल ले गए। पिस्तौल ले गए? चल बैठ पीछे बैठ, जल्दी बैठ। ए किधर जा रहा है, किससे मिलना है? देखा तेरे ससुर को। ये तो गया, देख के जाना जल्दी मिस्टर यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कमाल है, मैं कानून तोड़ रहा था तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया, और अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मुझे गिरफ्तार कर रहे। कमाल है। अरे कुछ कैसे नहीं किया, तुमने मेरे बच्चे के पिस्तौल चुराई है। सर अंदर जाइए सर, मैं पिछले 5 मिनट के बाद यहाँ से खुल जाए। यहाँ से अबे छोड़, मजाक मत कर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कर रहा हूँ। टाइगर भाई। ए इंस्पेक्टर मेरे सामने से हट जा,
मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। टाइगर, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बच्चे को। रमेश, पिस्तौल कुरियर की कि नहीं? पिस्तौल कुरियर की, लेकिन वो देखो बच्चों को किडनैप कर रहा है। टाइगर भाई, मैंने तुम्हें पिस्तौल दिया और तुमने मुझे मारा। आप ना समझे भाई, लेकिन अगर आप वक्त पर नहीं पहुंचते तो आप उनका जेल से भाग जाना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ कसम से, अपुन चलता है क्या? रुक जाओ टाइगर, छोड़ दे मेरे बच्चे को। इंस्पेक्टर तो बोला ना सामने से हट जाओ वरना इस बच्चे को गोली मार दूंगा। नहीं हटेगा, मेरे को ना दिखाना ही पड़ेगा मेरे को। अरे ये तो नकली पिस्तौल है, इसका मतलब ये असली है। खबरदार, अगर हिलने की कोशिश की तो खोपड़ी से पिस्तौल उड़ा दूंगा। इतना हो गया, पिस्तौल से खोपड़ी उड़ा दूंगा। थैंक यू संजय भंडारी। थैंक यू मुझे मत कहिए, थैंक यू उस बच्चे को कहिए, उसने खिलौना वाला पिस्तौल मेरे हाथ में पकड़ाया था। ओ मैडम, आपकी मम्मी ने कहा था ना कि कोई मेरे खोपड़ी पे पिस्तौल रखेगा, उनको जाके बोलिए मैंने किसी की खोपड़ी पे पिस्तौल रखा है। उधर देख, उधर देख, आंख में गोली जाएगी। मुझे नहीं पता था तुम इतने बहादुर हो। मुझे भी। संजय बोले तो इस बहादुरी के लिए मैं तुम्हें क्या इनाम दूँ? इनाम? अरे इनाम देना चाहती हो? अपने नाजुक हाथों से मेरे गर्दन पे बाम लगाओ। मैं लगाऊं? नहीं।